मॉर्निंग खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग। और आज ईद का है पहले दिन और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी, और आपको ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद का बड़ा त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद का पहला दिन है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर एज यूजुअल, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो होता है और मैंने कहा मॉर्निंग शो में एक स्पेशल आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया जाए, कुकिंग हो यहाँ पर, मज़ेदार किस्म का खाना हो, कलेजी कलेजी कुछ पकाई जाए, क्या कहते हैं आप लोग, लेकिन साथ में गेस्ट भी हों और गेस्ट के साथ कुछ हल्ला गुल्ला हो, डांस परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग हो, कुछ गेम शो हो, उनके साथ उनकी भी बातें हों। ये है ईद का बड़ा मज़ा गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। लेकिन एक और चीज़ है, ये बड़ी ईद क्या कहलाती है? यस ऑफ कोर्स कुर्बानी है। कुछ लोग बकरे ज़बह करते हैं, कुछ लोग गाय ज़बह करते हैं, कुछ लोग दुम्बे ज़बह करते हैं, और बच्चों को तो जानवर से प्यार ही हो जाता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ यार, ये कुर्बानी क्या अल्लाह पाक को गोश्त चाहिए, क्या अल्लाह पाक को क्या चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ एक सेक्रीफाइस, एक कुर्बानी का एक रुतबा होता है। हम लोग अपनी अजीज तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, और ये हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स आपके बच्चे जो हैं वो जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गली मोहल्लों में जो गाय लेकर आई जाती है, बकरे लाए जाते हैं, बच्चे उनके साथ चन 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 ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं, आई ना आप लोगों को, तो गले में एक टन टन डाली होती, कुछ लोग मेहंदी लगा रहे होते हैं, तो उसको बड़ा खूबसूरती से संवारते हैं, सजाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स वो लम्हा आता है जब बच्चे बड़ा रो रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं कि हमसे ये जुदा हो जाएगा। कुछ लोग तो गोश्त ही नहीं खाते, उनसे इतनी अटैचमेंट हो जाती है। लेट्स सी, ये तो एक ज़िंदगी का एक मरहला है जो हम लोगों ने देखना होता है। खूबसूरत सा त्यौहार है बकरीद का। बात करूँगी ऑफ कोर्स घर में ख़वातीन इस वक्त पसीने पसीने, कैसे? ऑफ कोर्स किचन में कुकिंग, ओके, उनकी जिम्मेदारियाँ डबल। और मर्द हज़रात जब बकरीद से पहले जो है वो मंडी जाते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई इतनी है कि अब गोश्त मेरे ख्याल में जो है ना, वो जो बकरे का नाम लेते हैं, बकरा मैंने खुद पूछा यार, एक दफ़ा मैंने पूछा यार कितने का तुझे का? सर 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 प्लीज सर सर मेरा लाइफ सर सर मेरा लाइफ शो है। अब ये क्या बकरा बकरा तो है नहीं, रस्सी लेके कहाँ घूम रहे हैं सर? बकरे वाला गली गली पेरा लगाता है, लेकिन ये मतलब साथ लेके नहीं फिरता है, क्यों? वो डकैती हो जाती है। मैंने मोबाइल को रस्सी है, इसका बकरा कहीं गायब हो गया। अरे यार ऐसा नहीं करें आप, महंगा महंगा बकरा है। अच्छा आपके पास कितने का बकरा, छोड़े आपके बताएं कितने का, मैं लेना चाहता हूं। एक से बकरा वो असली और नस्ली है, वीआईपी है। मतलब क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या वॉक करता है? 2.5 लाख का बकरा है, 2.5 लाख का, 2.5 लाख बोलता है। शुक्र है मेरे मेहमान अभी नहीं आए, खुद तुम 2.5 लाख समझ रहे? नहीं वो 2.5 लाख बोलता है फिल्मों के। अच्छा अच्छा, तो 5 लाख का वो। अच्छा अच्छा है, क्या मतलब 5 लाख का बकरा? 5 लाख का बकरा, क्या साला उसके कान सोने के लगे हुए? डिजिटल बकरा है। अरे डिजिटल टच, उसका टच सिस्टम काम करता है, गाने गाता है वो। रियली डबल सिम वाला बकरा है। डबल बकरा नहीं हो गया कोई, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी गूगल हो गया, ये क्या है यार बकरे की? वो तो बड़ा मार्केट है। अच्छा 12 प्रो बकरा है। अब यार डिजिटल बकरा 12 और पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, 2.5 लाख छोटा वाला आईफोन, आईफोन तुम मेरे ख्याल से वो लेगा 25,000 वाला नोकिया। हमारे बकरे डिजिटल बकरे होते, सुन रहे हो? आया रे बकरे वाला, ये रस्सी से अंदाजा लगाओ कितना मोटा बकरा होगा। अच्छा इससे अंदाजा बकरा है जिसको गाय की रस्सी से बांधता है। खान साहब आप अपना मुझे कोई मोबाइल में तस्वीरें शस्वीरें दिखा देते तो क्या था? दिखाओ मुझे, कोई हो सकता है मुझे कोई बकरा पसंद आ जाए। मोबाइल पे तो तस्वीर दिखा देगा, मगर कोई गलत मलत तस्वीर आ जाए तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि लड़कियों का तस्वीरें भी है बकरों का साथ है उसमें। ये क्या मतलब, वो बकरे के साथ लड़कियों की तस्वीरें? वो मेरी माँ ने मेरा रिश्ता देखा है ना, तो 4-6 लड़कियां दिखाया, वो भी इसी में फिट है। अल्लाह खुदा को मानो खान साहब, ये देखो बकरा। यार खान साहब एक और तस्वीर आगे पीछे करो। ये आलम तो बकरा मोबाइल से भी नहीं देगा। क्यों? ये नवाज शरीफ को चला गया लंदन।
ये अच्छा चलो ये हम नहीं ले रहे हैं। ऊपर से बाल उतरे हुए थे ना तो मैं उधर ही बेच दिया, जिसमें मिलता है उसको बेचते हैं। अच्छा आगे करो आगे करो, दूसरा वाला देखो। ये देखो ये बकरा, ये कोई डाकू टाइप का, खेती टाइप का लग रहा है इसने। कुछ खेती नहीं है, जुल्फिकार मिर्जा का बकरा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करनी है। आगे करो आगे करो आगे देखो, ये कुछ थोड़ा माड़ा सा है, कमजोर है यार। कमजोर नहीं है, फिर ये बकरी है। तो हमको बकरी क्यों दिखा रहा है? आगे चलो। अरे ये वो नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो जो लीडर बन रही है, इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे पे। अच्छा। क्या है? मरियम, मरियम नवाज, मरियम नवाज शरीफ सफदर रहमतुल्लाह अलैह, वो की बकरी है। आगे करो आगे करो, ये डेंजरस है। मासूम बकरा है ये, बड़ा मासूम है यार, बिलावल का है ये देखो। तो ये बारिश में डूब जाएगा, इतना पानी है इसमें। ये बड़ा वाला देखो ना, सिगार पीता है। ये क्यों सिगार क्यों पी रहा है? शेख शेख रशीद का बकरा है ना, और कितने बकरे चाहिए? और दूसरा दिखाओ। ये देखो ये देखो, अरे यार ये जो अच्छा लग रहा है यार, ये प्यारा है। ये प्यारा नहीं होगा, मुराद सईद का बकरा है। अच्छा वो नसवार भी लगाता है। अच्छा ये नसवार भी लगाता है। और दिखाओ, ये देखो कुप्पी वाला बकरा लग रहा है मुझे, तो टुन लग रहा है। हाँ ये दूसरा वाला बकरा मिनिस्ट्रियों का है ना। बकरा बकरा नहीं है। अच्छा चोकरी है, आपको बकरे है वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। क्या चोकरी है? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, और आप लेने वाला नहीं है बकरा? नहीं 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 खान साहब, जो महंगाई चल रही है, आवाम कितना आपसे बकरा लेती है, सिर्फ ये बताएं। आपके पास आती है, जो लोग आपके पास आते हैं बेचारे आवाम, कौन ले रहा बकरा है? तो कौन ले रहा है? महंगाई है, जो ऊंट करता था ना पहले, वो अब जनाब अली गाय कर रहा है। अच्छा जो गाय करता था वो बकरा कर रहा है, और जो बकरा वो दुम्बा, बकरा दुम्बा कर रहा है, जो दुम्बा करता था वो मुर्गी कर रहा है। मुर्गी की कहाँ कुर्बानी? ईद को वो अब सिर्फ अंडा खा रहा है। लेकिन तो मुर्गी की तो कहाँ कुर्बानी होती है खान साहब? ये क्या हो रही है सर, क्या हो रही है, कुछ तो बताओ हमें यार। ये बकरे वाला रो रही है, तुम अपने छो में बैठो, हम इधर बैठ रहे हैं। आप बैठो इधर खान साहब। चलिए जी खान साहब को हम इनके साथ जरा पूछते हैं कि ये क्या हो रही है, क्या हो रही है, कुछ थोड़ा सा बताए ना। खुश रहो सभी, क्या हो रहा है? मैं मुस्तकिल खान साहब नहीं बनाओ। ओके मैंने इतने पैसे लिए, थैंक यू। नहीं नहीं खान साहब पता क्या जी, इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ जो शाह सलीम आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे साथ एक थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा मतलब इंजॉयमेंट किया, क्योंकि बकरा ईद है, और ये अच्छा लगा इनका खूबसूरत सा क्लिप मेरे साथ। ये मेरे लिए यादगार मोमेंट्स है, लेकिन इन्होंने बातों बातों में बहुत सारी प्यारी बातें की, और वो ये कि महंगाई बहुत है, और एक वक्त था वाकई में लोग बड़ी खुशी से कुर्बानी जब लेने जाते थे जानवर, तो लेट्स सी एक एक्सपेंसिव भी हो या नॉर्मल भी हो तो ले लेते थे, लेकिन अब उनकी पहुँच और अप्रोच से दूर है। जी सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक हो आपको सभी, आप माशाल्लाह शो कर रही हो इस चैनल से, तो इस चैनल की खुशनसीबी है, क्योंकि आप जगह कोई भी हो अपनी क्वालिटी अपना मेयार बरकरार रखती है उसकी, इसलिए इसे ऑनर देने के लिए मैं आया हूँ। अब मैंने स्किट भी कर लिया, जैसा अभी आपने बोला कुछ गेम होना चाहिए, तो गेम ऑन है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी ईद का त्यौहार है, ऑफ कोर्स हमारे साथ और भी बहुत सारे गेस्ट हैं। सलीम भाई इजाज़त है, औरों को भी ज्वाइन करते हैं, और साथ साथ आपको नहीं पता आज तो इनके साथ मैं बड़ा ज़बरदस्त गेम शो भी करूँगी, और थोड़ा इनके साथ ऐसे, क्योंकि देखिए वाकई में सेलिब्रिटीज़ हो या आर्टिस्ट हो या जो कुछ जॉब पे हो तो इतने बिजी रहते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, ऐसा है कि नहीं सलीम भाई? हाँ जी बिजी तो ज़ाहिर है, मसरूफ वहाँ काम ये वो। जी हाँ सुबह से रिकॉर्डिंग चल रही है मुख्तलिफ शोज में, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी अपने लिए बंदा टाइम निकाले, थोड़ा कहीं हंसी कहीं हमारे भी अहमियत हो क्या? जी 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 अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए, और आपके साथ आया तो अपने लिए हंसना तो दूसरों को चाहिए, हमने तो हंसाना चाहिए। लेकिन एक एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी है, वो जो मैंने आपने एक नया लॉजिक निकाला, ये क्या हो रहा है, ये आप कहीं जाते हैं वहाँ पर एक नई क्रिएशन करते हैं, और एक नई, पहले तो आपका डब्ल्यू आर माशाल्लाह बड़ी मशहूर है, फिर आपने ये क्या हो रहा है निकाली, इसके ऊपर क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोच के आपने ये निकाला? मकसद ये तो जमाना हम ऑब्जर्वेशन का काम है, जो वक्त चल रहा होता है, अभी क्या हो रही है कि सीरीज निकालने वाला हूँ मैं, और वो टिकटॉक पे भी बहुत जल्द लोग मुझे देखेंगे, सलीम आफरीदी डिजिटल पे, तो मैं असल में मैं डिजिटल हो गया हूँ, तो इसलिए अभी इंशाल्लाह बकरा भी डिजिटल, सलीम आफरीदी भी डिजिटल। लेट्स सी हम लोगों के दरमियान, हमारे दरमियान एक और हमारे प्यारी सी गेस्ट
मैं उनको बुलवाती हूँ और मेरे मॉर्निंग शो में अक्सर वो तशरीफ लाती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी होम रेमेडीज बताती हैं और टिप्स बताती हैं हेल्थ से रेलेवेंट भी। तो मैंने कहा जब ईद शो हो तो मैं कैसे भूल जाऊँ, तो यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, सॉरी तशरीफ लाती हैं और रेडी हो जाएं। बड़ा भड़कता धड़कता सूट उन्होंने पहना है, लाल लाल, यस। और कौन है यहाँ से, उमेरा नाज जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आ गई हैं हमारी प्यारी सी बहन और आई लव यू, बहुत शुक्रिया। एंड ओके, अच्छा ये थक्का थक्की, प्लीज हैव अ सीट। ओके, बिल्कुल अभी सुना है कोरोना दोबारा नॉक कर रहा है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। एक और प्यारी सी गेस्ट है, और ब्यूटी, ऑफ कोर्स ब्यूटी की बात करूं, इस शशके पशके की बात करूं तो कौन है, जी हाँ, वो सबको खूबसूरत करती हैं, ग्लैमर करती हैं, सलीम आफरीदी, बड़े गौर से सुन रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, ग्लैमर को प्रेजेंट करती हैं, खुद एक ग्लैमरस लेडी हैं, तो यहाँ पर मौजूद हैं शगुफ्ता बाबर, प्लीज कम और मेरे साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, यस, शी इज कमिंग। कैसे हो जी, उन्होंने बोला एहतियात करो, अस्सलाम वालेकुम। चले जी बैठ जाए। ओके, हमारे साथ शगुफ्ता बाबर भी हैं और जी साथ साथ, क्योंकि मैंने इनके साथ अभी कपल गेम्स भी करने और देखते हैं इनकी गेम्स एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्वेशन है, कितने ये इन्वॉल्व होते हैं, तो मैजिशियन को भी बुलवाते हैं और इस सीट को भी फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ आज हमारा फर्स्ट डे और देखते हैं कि मैजिशियन क्या करते हैं। तो मुनव्वर खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, यस मुनव्वर, कम कम कम, ज्वाइन विद मी एंड गुड मॉर्निंग विद सभी एंड ईद स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप सब लोग, कैसे हैं आप भाई, आप कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे गेस्ट ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं। अच्छा, आज सबको ईद मुबारक, आप सबको और आपके सबकी तरफ से नाज़रीन को भी। अच्छा, उमेरा, बकरा ईद का प्रोग्राम आज हम लोगों ने, बड़ी ईद का प्रोग्राम, बड़ा त्यौहार, और ऑफ कोर्स घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और थोड़ी पहले गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों के साथ थोड़ा कपल के हिसाब से हम लोग कुछ गेम करेंगे और नोट करेंगे कि आप लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। वो तो करते, बोलो ना, वो तो करते उमेरा, रोजाना मॉर्निंग शो में क्या करते हैं? या ये पोल पट्टी इसने आते ही खोल दिए कि हम लोग मॉर्निंग शो में क्या करें, यू नो, यानी कि आप मुझ पे हिट कर रही है कि मैं एक्टिंग करती हूँ। नहीं, जो भी आता है तो एक्टिंग क्या होता है, बेसिकली जो सीखा है, जो सामने हम लोगों ने, जब एक एक्सप्रेशन होते हैं और एक्सप्रेशंस, अब टाइम हो गया है जबरदस्त। क्या है सलीम साहब, इन्होंने जो कहा है कि हम एक्टिंग करते हैं हम रोजाना, ये क्या कहानी? बिल्कुल, घर में ऐसी औरतें कहाँ होती हैं, साफ सुथरी। किचन में बंदा देख ले तो बंदा खाना पूरा नहीं खाया। नहीं, हम आपको मुंह धो के भी दिखा देंगे। नहीं, ये इन लोगों की वजह से होता तो है, इनकी फरमाइश इतनी होती है। अपनी औरतें तो बगैर मेकअप भी अच्छी लगती हैं। चलिए आ गए, बट यू नो, संभाल थोड़ी सी बात, संभाल ली, ऐसा नहीं, खर्चा होता है ना। अच्छा सर, ड्रेस, रहना बैठना उठना सब उन्हीं के साथ होता है, तो फिर बर्दाश्त तो करना पड़ता है। कहीं तो छोड़ दे सर जी, कहीं तो छोड़ दे। मुनव्वर, ईद का कैसे देखे, ईदी वीदी तो बकरा ईद की कहानी नहीं ना, बस छोड़ दे, वो तो मीठी ईद पे चीना चपटी हुई थी। बकरा ईद आप कैसे गुजार? भी शोज में ही गुजर जाती है, जमाना हो गया जब से मैं इस फील्ड में हूँ, शोज ही कर रहा होता हूँ बकरीद, क्योंकि हमारा, हमारी नेचर ही ऐसी है ना, जैसे मैं हूँ, सलीम भाई हैं, जब लोगों को खुशी के लिए घर से निकलना होगा, सैर सपाटा करना होगा, छुट्टी होगी, तो हमारी छुट्टी नहीं होगी, हम ही तो उनको एंटरटेन करते हैं। क्या बात है, लोगों को एंटरटेन करते हैं। शगुफ्ता, सबसे अच्छा क्या बनाते हो, ये बताओ, बेवकूफ होने के बजाय, सॉरी, मैं डाइट सबसे अच्छा बनाती हूँ। गुड, सबसे अच्छा। मैंने वैसे खाने का पूछा था, वो तो आप बनाते हो। यानी कि तुम खाना अच्छा नहीं बना सकते? नहीं, बहुत अच्छा बनाती हूँ। रियली? कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, बनाया खूब भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओए होए, और आप जी? मैं सब चीजें अच्छी बना लेती। रियली? पक्का? कभी हो जाए, आपने कुछ चखा हुआ भी है कुछ कुछ? तो नहीं नहीं, बहुत कुछ, माशाल्लाह बहुत अच्छा। चाय बहुत बुरी बनाती हूँ, जो बुरा नहीं उसने बहुत ही रखा। बुरी बनाती है चाय, बहुत बुरी बनाती है। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं बनाने आती चाय, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा नाज़रीन, हम लोग इनके साथ ही हैं इस वक्त, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद जब हम आएंगे तो एक डिफरेंट आपको लगेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रही है, क्योंकि हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं, तो ये भी एक जबरदस्त, अभी देखेंगे ये कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और इनको हम कपल में डालते हैं तो ये क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉर्निंग विद सभी के साथ ब्यूटीफुल यहाँ पर गेस्ट के साथ।
पर गेम शुरू हो गया है। पार्टी कुछ यूं है कि सलीम आफरीदी एंड हुमैरा इज वन पार्टी ए पार्टी एंड जो है हमारे मुनव्वर खान एंड गुप्ता बाबर ए बी है। ए और बी में अब देखिए पोजीशन किसकी है और जो विन करेगा उनको वाइफल की जाने से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है जी, मैं लिख रही हूँ, अब ये रीड करेंगे और ये बताएंगे, सॉरी एक्शन से, और देन गेस करेंगी हूँ मेरा नाम। अच्छा जी, मैंने लिख लिया, चलो जी अब ये मेरे प्यारे भाई, लुक एट दिस, यस लुक एट दिस, आपने लिख लिया नाजरीन एंड दिस। अब आपने वहां जी मैं काउंटिंग शुरू हो गई, 1-10 तक गिनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सलीम भाई ने पूरे एफर्ट किए। हुमैरा बंदर क्या जाने अदरक का मजा, मैं क्या बोलूं, तुम एक एक वन पॉइंट लेस, ओके एंड अभी अभी जो है देख लीजिए नाजी, एक हुमैरा का आईक्यू लेवल देख ले, बादाम खाया करें, लोगों को होम रेमेडी दे रही है, अभी जरा देखिएगा। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे की तरफ और ये क्या है, ओके ओके जी नाजी ये देख ले, ओके अब बताओ, एक्ट करके बताओ इसको समझ में, हाँ बोलो बोलो, हाँ सही है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो पेंडू महावरा आप चले चल देखो ये, हाँ सही है, गुड है, ओके मैं बता दूं एक्सरसाइज, मैं बता दूं, मैं बताऊं, रुक जाओ रुक जाओ, चार्ली चोपता खुदा को मान लो, हाँ जी आप बताइए, चार्ली भाग के चोर की लगोटी सही भागता भी आ गया था, चोर भी आ गया था, आगे खुद ही चल जाना था यार, कसम से हद यार, दोनों टीमें बिल्कुल, चले खैर आप दो वर्ड तक चली गई, लेकिन आप लोगों के लग गई थी, लेकिन एक बात बताऊं, आप दोनों के एफर्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने लूंगी क्लैप करें, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। एक और वन मोर, अब ये एक मैं आपको दे रही हूँ फल का ना, चलो इतना मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ जिससे आप लोगों को ईजीएस्ट हो जाए, ठीक है जी, लेकिन मुश्किल होगी आपको ब्रीफ करने की, फल या सब्जी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है या चले एक और मुहावरा, सलीम भाई आपकी बारी है, अच्छा जी मेरे को कुछ समझ में आ जाएगा, ओके जी मुहावरा मैं आपके पास आ जाऊँ ब्रीफ कर दूँ, मतलब बता दूँ क्या, हाँ जी ओके, और ये मुहावरा है जी, गिनती काउंट करने से करो, अब स्टार्ट करें, नहीं 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 नो वे नो वे, हाँ जी ये है मुहावरा और अब आप इनको बताएंगे कैसे है, इशारों से, एक ये मुश्किल था आप चीटर निकले यार, आते ये तो सोचने वाली बात है ना, वो करेला कैसे बनते यार, क्यों नहीं करे लोग थूकते ही हैं, बताते क्यों नहीं है यार, छोड़ो यार, ये हिंट दे देते कि ये फ्रूट है या सब्जी है, उसे लिहाज से फिर चलते, नहीं 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 गलत बात है यार, आप लोग कोई चीटिंग कर रहे हो भाई, मैं थक रही हूँ ना करो भाई, इतनी मेहनत से मैंने आप लोगों को ये गेम बनाया है, ऐसा नहीं करो यार, चलो फ्रूट पे ले आओ, आप फ्रूट पे ले आओ बस, इन्होंने बता दिया पूरा, हाँ बता दिया, बच्ची बड़ी होशियार है आपको नहीं पता, चले जी नेक्स्ट, चले जी हम लोगों ने एक और आपकी बारी, ये अब देखते कौन इसमें विन कौन करता है, गुप्ता खुदा के लिए बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, दौड़ दौड़ के बता रहा था तुम्हें बातें छोड़ के, अच्छा जी बहुत इजीएस्ट है,
अब ये तुम्हारे मुहावरे में सब्जी आई थी सलीम भाई, आपके मुहावरे में फ्रूट आ रहा है, ठीक है? अभी से फ्रूट वाले मुहावरे ही सोचना शुरू कर दें। फ्रूट का नाम बताएं। बोला कुछ भी नहीं है रिलेटेड। भाई सॉरी, जरा सा मैनेज कर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत इजीएस्ट है। हाँ ठीक है, ये तोड़ा क्या तुम लोगों के अंगूर कटे? सही बोला इससे ना, वो बहुत मतलब इजीएस्ट से आप दोनों टीम में से ये टीम जीती, इन्होंने दो दो पॉइंट में से इन्होंने एक पॉइंट हासिल कर लिया। लेट्स सी हम लोगों ने, माशाल्लाह वाह भाई। अच्छा क्या तुम लोग दोनों इतने जीनियस हो? क्या आप दोनों इतने जीनियस हो? जी आप बताइए, अगर मैं एज यूजुअल जैसे अभी मैंने इनसे पूछा है, तो क्या आप दोनों का आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग है कि मैं इनको दिखाऊं और आप लोग बता सको, क्या ऐसा पॉसिबल है? कर ले ट्राई करके देखते हैं, इनसे इनकी एक्टिंग हो। हुमैरा ने हाथ जोड़े, अब तो 100% होगी। नहीं 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 हम लोगों ने बारी ले ली है, अब हमारी खवातीन रेडी हो जाए। हुमैरा कितनी एक्टिव, ये भी मुहावरे? नहीं नहीं मुहावरा नहीं है। अब बताओ क्या पूछूं, आप बताओ, आप अंदाज़ पूछना कुछ, लेकिन बताए ना। मैं किचन में, तुम तो होम रेमेडी, तो किचन से रिलेवेंट कोई चीज पूछ लूं वो फिर बता दोगी ना? मुझे पता होना चाहिए ना, ऐसा कि मुझे पता ब्रीफ, ब्रीफ कर लोगे किचन की चीजों को? मुहावरा ही बना लो, अच्छा है। चलो ठीक है, मशहूर मुहावरा नहीं करती मैं, तुम नहीं कर पाओगे, कैसे बताएंगे, एक्टिंग नहीं कर पाओगे। चलो गेटअप बताइएगा, मैं कुछ गेटअप दिखूंगी, वो बताना कि किस चीज का गेटअप। किसी शख्सियत का पूछ लो ना, कोई फिल्म स्टार है, कोई कुछ है, वो बोलने से पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है। पक्का सोच लो। चले ठीक है जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया ये बस ठीक है, ये स्टार की बात हो रही है, खामोश रहना। अच्छा जी, अब मेरी बहन बताएगी जी, कैमरा लुक एट दिस जी, कैमरा मेरा देख रहे हैं? ओके डन हो गई, ये रहा कैमरा, सॉरी ये, ओके जी। अब बताओ बीबी विदाउट बोले, यस ओ माय गॉड, हमारी हर बलिस इस वक्त एक्टिंग कर रही है, ओ माय गॉड। हाँ ठीक ठीक जा रही हो, मीरा लग रही है। खुद आप काउंटिंग करो, मैं उन्हें बता दूँ, एक दो दो तीन चार, सिंगर है, चलो चलो सिंगर है, सिंगर है, सिंगर है, चलो आब्दा परवीन, एक दो फीमेल है, तीन चार पांच नूरजहां, एक बेईमानी क्यों मैंने, ये तो सारे नाम ले लिए बेईमानी, ये क्या बात है, मैंने पता क्या है जी, मैंने पता क्या बेईमानी किसे का पुरानी तुम्हारी लिप्स में हिले, मैंने देख लिया, वेरी पैट वेरी सैड, मेरे माइंड में था, मैंने कहा कसम से इसने 2% चीटिंग की, इसने कहा पुरानी, इसके मुंह से वही निकलो से सुना, ये स्टाइल बनता है सफल लोगों के साथ। अच्छा जी, अब आप गाना सिंगर बता दे, उनके उनका फेस देखो, देखने वाला बहुत मुश्किल लग रहा है इनको, सर बहुत इजी है सर, डोंट यू वरी, कोई मसला नहीं है। हम लोग चलते हैं, किसका नाम है बेचारी फंस जाएगी, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करती हूं इनके लिए, इजीएस्ट क्या करूं, बहुत जरा बेचारी छोड़ नहीं कर पाएगी एक्टिंग, वो पहले घबरा रही है, क्या करूं उससे, इजी क्या कुछ सब्जी का नाम पूछ लूं, क्या पूछूं बताओ, तुमसे पूछूं ना, नहीं आया तो नहीं आया, क्यों हमने यहाँ कोई कुछ लेके जाना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। चले जी हम लोग चलते हैं, लेके जाना है ना वाइटल का, देख तू क्या करती है यार, चलो देखे टैलेंटेड बंदी है ना, मेकअप आर्टिस्ट है तो क्या हुआ। अच्छा जी अब बताइए, बहुत इजीएस्ट है, सिंगर है, चलो फीमेल नहीं है, मेल है, सिंगर है, चलो जब आसान कर दिया मैंने आपके लिए, वन खड़े होके बताना, हाँ हाँ गाओ गाओ कुछ, खड़े होके गाओ, कोई मसला नहीं, गाने नहीं गाना नहीं है, खड़े होके एक्टिंग करनी है, जस्ट फॉर एक्टिंग, एक्टिंग ही करना, एक्टिंग ही आप करें प्लीज, वन ही करता है, टू
क्या क्या बोलू ना वर्ड देखो क्या बोलना नहीं पता है कि वो नाक से गाता है थोड़ा सा वो बोलना नहीं है तो मैं पहले मार छोड़ो मेरी जान वाज तू तुक्के लगा ना भैया तो जब भी कर कोई मुझे एक्सप्रेशन ही नहीं मिला कोई गाना सुना दो नहीं देखो इसके लिए ये है ना कि सिंगर तो है सिंगर है ठीक है वो एक्टर भी है और आजकल उसका एक ड्रामा चल रहा है मैं बता दूं आप अपनी टीम को तो बताओ ना आतिफ असलम क्या बात है बबलू क्या बात यार अच्छी बात नहीं है तुमने इतना ये तो हम कह के बता सकते हैं ना इसको परफॉर्म करके नहीं बता सकता कोई भी क्यों कुछ ऐसी बात नहीं बता सकता ये तो मैं इस बारे में मैं बुरा मत मनाना हम कैसे करें मैं गा सकता हूं अगर मैं इसको सलीम अफरीदी को कहूं ना कि आतिफ असलम का मतलब प्रेजेंट बन के दिखाएं आतिफ असलम आइए हां ये तो बात है ये राहत अली राहत फतेह अली खान आतिफ असलम मेहंदी हसन सब बता देंगे मेहंदी हसन का एक मिनट में बता देंगे कैसे भाई ओल्ड पुराने का बताया नए का क्या बताया क्या उसका क्या हो गया आतिफ असलम का तो गाना गा के बता गाना गा के बता सकते हैं तो किसको गाना आता है जरा बताइए क्या सॉन्ग सुना सकते हैं आप नहीं बस सही भाई ईद पे आप ऐसे वैसे पूछ ईद अलग उल्ला है मुझे वो पसंद ही नहीं है कौन आतिफ असलम सिंह को पसंद है ऐसा ना करो ऐसा ना करे वो लाल सूट वाली नाराज हो जाएगी जब वो आ जाता है शो में ना लड़कियां में लिफ्ट ही नहीं कराती सारी जब शो में आता है लिफ्ट कोई नहीं करवाता जी ना जी हमारे साथ चल रहा है ईद हंगामा ईद स्पेशल एंड सलीम आफरीदी की मजे मजे की बातें और मजे मजे की बातों में मजे मजे के खाने भी होने चाहिए तो और मजा दुबाला जी को और एक और बात बताऊं कि यहां पर स्पेशल जबरदस्त धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस है क्योंकि ईद है तो हंगामा तो होगा लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड सलीम आफरीदी के साथ वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी और ईद स्पेशल एंड खूबसूरत मेहमान आल्सो विद अस और शेफ शाहिना शुमाइल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शली हाउ आर यू कैसे हो खूब बकरा ईद पे मजे ले रही हो जी एग्जैक्टली और तुम्हारी तो पसंदीदा कुकिंग आप माशाल्लाह करते हो तो आज पहले दिन सबसे पहले सबको मालूम है क्या बनता है जी हाँ कलेजी और आज भी बन रही है कलेजी जी चलते हैं हम शेफ की तरफ चलें जी बताइए अस्सलाम वालेकुम दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल वेलकम टू आवर किचन गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एसटीवी ईद मुबारक बड़ी ईद मुबारक ईद उल अज़ा मुबारक आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से वीनस एसटीवी की तरफ से और गुड मॉर्निंग विद सभी मैं ये देख रही हूँ कि कलेजी अभी बनी नहीं है और ये पहले से ही एनर्जेटिक हो चुकी है कैसा चलिए जी हम सब डिश की थोड़ी रेसिपी करते हैं फिर हम लोग अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं अच्छा जी सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और हमारी रेसिपी का नाम है कलेजी कलेजी मसाला भुनी कलेजी हम यहाँ बना रहे हैं भुनी कलेजी और भुनी कलेजी और बकरीद पे सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कुर्बानी होती है और जानवर ज़िबा होता है और सबसे पहले क्या होता है ख़वातीन के पास घरों की ख़वातीन के पास जो है वो कलेजी आ जाती है मर्द हज़रात बेचारे जानवर के साथ कसाईयों के साथ लगे हुए होते हैं और जो है वो काम कर रहे होते हैं और ख़वातीन अपना काम कर रही होती हैं और कुकिंग का बहुत ज़्यादा जो है ये सीज़न होता है बकरीद का और रेसिपी में बताती चलूँ उसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और कलेजी मेरे पास जो है वो 750 ग्राम कलेजी मेरे पास मौजूद है जिसको स्मॉल क्यूब्स में कट किया हुआ है ठीक है और अनियंस मेरे पास मौजूद हैं 3 अनियंस हैं जिनको चॉप किया हुआ है हमने और योगर्ट मेरे पास हाफ कप यानी कि 150 ग्राम मौजूद है टोमेटोज़ मेरे पास मौजूद हैं इसमें हाफ केजी के करीब टोमेटोज़ हैं जिसको रफली चॉप किया हुआ है ठीक है धनिया मेरे पास है और ग्रीन चिलीज मेरे पास मौजूद हैं अच्छा जी सूखी मेथी इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर है कसूरी मेथी आपने कोई कसूर तो नहीं किया ना वो कहते नहीं 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 मैंने बना डाल तो कसूरी मेथी अपनी इंडिया में ये अम्मी आंटी
कसूरी मेथी होती है, जरूरी नहीं कि वो कसूर की हो। एक नाम पड़ गया उसका। वैसे कसूर तो एक जगह का नाम भी है ना। हाँ, कसूर एक जगह, एक जगह का नाम है पंजाब की। चले जी हम आगे चलते हैं। लस्सी आगे दी कसूर की। क्या कसूर की? कसूरी यार अपनी तरफ से थुक्के तो ना लगा। नहीं, नूरजहां कसूर की थी यार, और खुर्शीद कसूरी बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत थे, वो भी वहाँ के। सही, कसूरी मेथी की डेफिनेशन मुझे पता चली है। लेट्स सी हम लोग कपड़े मसालों की तरफ। जी अच्छा, यहाँ ग्रीन चटनी मेरे पास जो सबके घरों में बनती है और मैंने बनानी भी सिखाई थी आपको, तो वो ग्रीन चटनी मेरे पास मौजूद है। वो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूँ कि क्या क्या ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद है। मेरे पास कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, मेरे पास जो है वो गर्म मसाला मौजूद है 1 टेबल स्पून, कुटा भुना जीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून, जीरा मेरे पास मौजूद है, गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर मेरे पास मौजूद है, हल्दी 1/4 टीस्पून मौजूद है मेरे पास, पिसी लाल मिर्च मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है, ब्लैक पेपर यानी कि पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून मौजूद है, रोस्टेड क्रश क्यूमिन भुना कुटा जीरा जो कि सबके घरों में मौजूद होता है, और जिनके घरों में मौजूद नहीं है तो वो इसको भून के और कूट के रख सकते हैं सफेद जीरे को। और भुना कुटा जीरा, और मैं जो है वो मैंने आपको बताया था, ऑयल मेरे पास 1/2 कप मौजूद है यहाँ पे। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कलेजी के, और हम क्या करेंगे, एक मेन इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको नहीं बताया, और वो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें लहसुन, यानी कि लहसुन इसके अंदर अदरक नहीं शामिल करेंगे हम, इसके अंदर हम लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन होगा जी, इसमें सिर्फ लहसुन शामिल होगा। अच्छा, लहसुन के साथ मैंने क्या किया, मैंने एक पूरा बंच लिया लहसुन का, और मैंने उसको पील करके उसके बाद उसको थोड़े से पानी में मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। तो यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में, इसकी सफाई का मैं बताऊँ आपको कलेजी की, किस तरह से आपने इसकी स्मेल वगैरह होती है उसको ख़त्म करना है, किस तरह से आपने उसको ख़त्म करना है, बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, बताने से पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑयल इसमें डाल के ना प्याज हम लोग इसको ना बाद में बताएंगे, पहले हम पकाते हैं उसके बाद हम लोग इसका बताएंगे कि इसकी स्मेल कैसे दूर, जब वो भूनते हुए जब गुप्तगु होती है ना तो एक बैकअप रहता है कि भाई क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले ऑयल डाल दी, ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। ओके, डन हो गया। और चॉप्ड अनियन मेरे पास थी, ठीक है, और ऐड कर ली, चॉप्ड अनियन ऐड करिए, और इसको हम पिंकिश ब्राउन करेंगे, नॉट अ गोल्डन ब्राउन। हर घर में जब भी कुर्बानी होती है सबसे पहले कलेजी को ही भूना जाता है, पकाया जाता है, लस्सी हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद जब तक ये हमारी प्याज हो रही है, लहसुन जो है ना मैं इसमें आधा जो है वो शामिल करूंगी। ओके, ठीक है, और मैं इसमें आधा लहसुन डाल के, ठीक है, और इसको मैं मिक्स करूंगी। आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को आपने पहले आप कलेजी वॉश कर लें, जब आप बाजार से लेकर आएँ उसके, सॉरी बाजार से लेकर आएँ कुर्बानी की कलेजी क्योंकि आज तो ईद का दिन है। और आपने क्या करना है, आपने लहसुन को लेना है और इस तरह से उसके अंदर मिक्स कर लेना है कलेजी में, ठीक है जी, ठीक है। और इसको आपने तकरीबन 15 से 30 मिनट इसको आपने इस तरह से करके रखना है, इससे तमाम कलेजी की बिसान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, जिस भी टाइप की आपकी कलेजी होगी वो बिल्कुल जो है वो बिसान फ्री हो जाएगी, स्मेल। अच्छा जी, इसके बाद क्या ऐड करना है, हम मलका मसालों, मलका मसाले का पिंक सॉल्ट है, मलका मसाले मैं 1 टेबल स्पून इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मलका मसाले का ऐड किया है, और ये टमाटर है मेरे पास, और साथ ही साथ मैंने ये तमाम टमाटर ऐड किए हैं, जबरदस्त गुड हो गए। और साथ ही साथ जो है वो मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और एक मैसेज था मेरा, और मैसेज मैं हमेशा देती हूँ जब भी मैं आपने किचन में कुछ बीफ बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, मुझे मैसेज मैं पहुँचा दूँ। साथ साथ जो है मैं सैलड्स को जो है ना, या तो मैं वेजिटेबल्स को सॉटे करती हूँ और सैलड्स बनाती हूँ, तो आपको पता है ये बात, तो मैं आज यहाँ भी बनाऊँगी। अच्छा, योगर्ट जो मेरे पास थी यहाँ पे, मैंने वो भी शामिल कर लिया, ठीक है, योगर्ट भी ऐड हो गई है हमारी। ओके, और सूखी मेथी, ओए कसूरी बकौल आपके, सूखी मेथी जो है वो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देती है, हर्ब्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने देखें कितनी हमें कितनी सारी चीज़ों से मालामाल किया है। और अच्छा, ईद के दिन जो है वो कितना मज़ा आता है ना कलेजी बनाने में, आम दिनों में भी बनाने में मज़ा आता है, लेकिन जो ईद की कलेजी होती है ना उसको बनाने में बहुत ज़्यादा। इनकी बातों से देखिए इन लोगों की याद आ रही है,
ये औरतें हमारा कलेजा खा जाएंगी, ऐसा है कि नहीं? बनाने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, उसकी वजह है कि कलेजी ताजी होती है, अपने सामने निकली हुई होती है। आए, आए, जबरदस्त। तो दो दिन की रखी हुई कलेजी में क्या मजा आएगा? जबरदस्त, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम साहब, क्योंकि वाकई जो हम बाहर से चीजें लेते हैं, गोश्त लेते हैं, उनमें वो फ्लेवर ही नहीं होता जो बकरीद के दिनों का जो फ्लेवर होता है ना, जो वो नहीं होता। तो कुछ कुदरत की भी बात है और कुछ वाकई अपने सामने है, जो फ्रेशनेस की भी बात है। तो अच्छा, साथ साथ मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाला है, यानी कि धनिया डाल दिया है, और मैं सूखी मेथी डाल के इसको कवर करूंगी। अच्छा, तो आपने या तो 15 मिनट्स पकाना है या तो आपने 1 आवर पकाना है। अच्छा, अगर बनाएगी कलेजी बनाएगी उसके ऊपर चलते हैं, ये ना कि वो भी रह जाए और इनकी एक चीज के सैलेड उन्होंने खाना शुरू कर दिया। पकाइएगा जरा मुझे सर जी, ये बनाई भी तो है सैलेड। हाँ, अभी कुछ और भी बनाई यार, कुछ कुदरती चीजें होती हैं, औरत अपना नाम लगा दे, मैंने बनाई है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी सिग्नेचर सैलेड बना रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों के साथ अपनी सिग्नेचर रेसिपी सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ कैरेट है, इसको मैंने जूलन्स में कट किया हुआ है, यहाँ कुकम्बर है, इसे मैंने जूलन्स में कट किया हुआ है, पर्पल कैबेज मेरे पास मौजूद है, ग्रीन कैबेज मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और लेमन जूस के लिए हम फ्रेश लेमन लेंगे। मैं हमेशा फ्रेश चीज़ों को करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, तभी आपने इसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। और इसमें हम झटपट से जो है ना इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। yes. यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है, मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट मेरे पास मौजूद है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, और मैंने मस्टर्ड पेस्ट यहाँ पर ऐड करा है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मस्टर्ड पेस्ट से। अच्छा, यहाँ मैंने क्रश चिलीज, क्रश रेड चिलीज, कुटी लाल मिर्च, ठीक है, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर, ये मैंने सैलेड बन रहे हैं ना जी, ये सैलेड बन रहे हैं कसम से, पहले लोग प्याज खा के एंजॉय कर ले जी। तो यहाँ हमने सबसे पहले कैरेट को डालना है, जो हार्ड सब्जी होती है आप उसको उसको डालें। उसके बाद मैं कैप्सिकम डालूंगी यहाँ पर, कैप्सिकम को मैंने ऐड करा है क्विकली, और मैंने कुकम्बर ऐड करे हैं, पर्पल कैबेज मैंने यहाँ ऐड करी है, ठीक है, और ग्रीन कैबेज मैंने ऐड करी है यहाँ पर, ठीक है, और आखिर में लेमन, आखिर में हम लेमन ऐड करेंगे, ठीक है, और पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये वाह जी वाह, क्विक क्विक हो रहा है सब कुछ, बहुत क्विक ये सैलेड बनती है, ठीक है, और आप इसको लेटस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने लेटस एक ग्लास में स्टन से डाल के रखा हुआ है और हम इसको इसके ऊपर सर्व करेंगे और कलेजी के साथ एंजॉय करेंगे। तो मैसेज मेरा यही है, इस ईद पर अगर आप गोश्त बना रहे हैं और गोश्त खाएं, लेकिन साथ साथ वेजिटेबल्स को ना भूलें प्लीज। बड़ी प्यारी खुशबू। अच्छा, इसको भूनना है ना अभी, तो इसको पानी सुखाना है ना जी, इसको हमें ड्राई करना है। बस ये यहाँ पर एंड हो गया जी, ये हमारा, ये जब तक ड्राई होता है और ये सैलेड रेडी होता है, फिर ये हमारे पास प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स हमारे मेहमान बैठे हुए, और ये फर्स्ट डे में हमारे सारे गेस्ट जो हैं वो खाएंगे कलेजी मज़ेदार किस्म की विथ नान के साथ। हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले लें, ब्रेक ले सकते हैं हम, okay. और ये सैलेड हमारी रेडी है। ये लगा इन्होंने ग्लास में डाल दी, इन्होंने पता नहीं क्या सोच के डाला, आई डोंट नो, खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट सैलेड रेडी है, झटपट ये सैलेड बनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपने ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने और ईद को इंजॉय करें और ईद कुर्बा को इंजॉय करें, और इसके साथ जो है वो इंशाल्लाह हम सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। भी अभी आप मुझे टेबल पे दीजिएगा सर, मैं कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ कह रहे हैं? छोड़ दो, क्यों, बस ऐसी मैं कलेजी चूल्हे से निकलते हुए खाऊंगा। नज़री में लेते हो ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग सभी, मज़ेदार कलेजी विद सलीम साहब।
मॉर्निंग विद सभी। ऑफ कोर्स क्या है ईद स्पेशल, और ईद स्पेशल में अब जो सेगमेंट्स आपने देखे अभी थोड़ी देर पहले, बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट जो हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ऑफ कोर्स कॉमेडियंस हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने गेम शो किया, फिर हमने कुकिंग भी की, और अब जो है वो एक नया पर्सन यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एक ऐसा टैलेंटेड बंदा मौजूद है, वो पता नहीं अभी क्या करने वाला है, सरप्राइज है, मैं बता दूंगी तो आप देखेंगे क्या। तो यहाँ पर कोमल मौजूद है, तो लेट्स सी कोमल को बुलवाते हैं, वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। कोमल अस्सलाम वालेकुम, आ कैसे हो आप, ठीक हो? चले जी बताएं क्या करना चाह रहे हैं कोमल। अरे कोमल तुम यहाँ आके बैठ गए, हम तो तुम्हें हम देखना चाह रहे हैं फालूदे में मिला के मेरा आपसे बात करूंगी। आप ये हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है यार, मैं खुद मैं अभी सोच रही अब गिरा। अच्छा, जान की उसको तेज कर रहा था ये ना मैंने कहा वेरी नाइस बहुत जबरदस्त अच्छा है यार।
ऐसे टैलेंट को वाकई हम लोग सराहते नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क में ऐसे चीज़ों को सराहते नहीं है लोग, लेकिन ऐसे टैलेंट को आना चाहिए मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जाके देखें कि कितना कितना नाम कमा जाते हैं और ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। तो और अच्छा एक और चीज़, हमारे मुल्क में त्यौहार जो है ना वो सिलेक्टेड है, जैसे बड़ी ईद या बकरा ईद या दो तीन और त्यौहार इंक्लूड 14 अगस्त, एक हमारे कुछ इवेंट्स खास आते हैं, लेकिन एक होता है कि ये टैलेंट की एक प्रमोशन टाइप के होते हैं ना, ये बहुत कम एक्टिविटीज होती है, क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि मैं आपको सराहूंगी इस बात पे कि मैंने बहुत सारे मॉर्निंग शोज में प्रोग्राम किए हैं, आज तकरीबन मुझे 15-16 साल हो गए, लेकिन वाहिद एक तुम्हारा शो होता है जहाँ तुम नए टैलेंट को उजागर करती हो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कहूंगी कि सब तालियां बजाएं। माशाल्लाह, नई नई लगती है। अच्छा जी सलीम साहब, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स के। अच्छा लेट्स सी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल एक एंजॉयमेंट भी रखी है, तो सलीम साहब हो जाए एक डांस परफॉर्मेंस। नहीं आपको नहीं कह रही हूँ। अरे यार मुझे, अरे मैंने आपको थोड़ी बोला अपने डांस में। यार ये एक रंग आके गुजर गया चेहरे पे। मम्मी चैनल पे क्या करा रही हो, तुम बोलोगे नोटों की लट्टी भी लाओ। वो तो हमें लाना पड़ेगा। मैंने आपसे ये कहा कि परफॉर्मेंस के लिए पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिखाई डांस सिंगिंग, माशाल्लाह शैजी है, और मैं सबसे पहले बुलवाऊंगी शैजी, प्लीज कम। जी नाजी, इस वक्त हमारे इधर मैंने एक बड़े ही उभरते सिंगर, जिस तरह उमैरा ने कहा हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, मैंने कहा हम सब इसको मानते हैं, जैसे अभी अभी आपने कोमल का जगलिंग देखा जबरदस्त, और वो गिरा 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 अभी, तो इसी तरह आवाज का भी जादू जो है, कम ऐसे लोग हैं जो उभर के सामने आते हैं। तो हमारे इधर मैंने इस वक्त मौजूद है बेहतरीन डांस परफॉर्मर, बेहतरीन सिंगर शैजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आप ठीक ठाक? पहले तो सब लोग जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जो हाजरीन है देख रहे हैं नाजरीन और हाजरीन सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हमारे मुल्क को सब तमाम परेशानियों से निकाले, और सब जो भी है वो सबके लिए बेहतरीन। क्या बात, और सस्ता बकरा मिल जाए। क्या बकरा है? क्या बकरा है? अरे वो कुछ नहीं बकरा, वो तो बोल रहा है। तो अच्छा जी, मैं आपको अपने एक सॉन्ग की दो लाइनें सुना देता हूं। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सुनाए जी भाई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं तेरी दीवानी हुई मेरे डोलना, मैं तेरी दीवानी हुई मेरे डोलना, गलियां दे कखा वांगू, गलियां दे कखा वांगू, तू मैनू और वो लड़कियों की तरफ से गा रहे हो, लड़की कौन है? इसके लिरिक्स भी मैंने खुद लिखे हैं, इसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी है, मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि मेरे फादर जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर थे मास्टर आशिक हुसैन। तो ये जो लय कारी और सुर होता है ये आपके ब्लड में हमेशा कहते हैं कि ये मेरे ही मतलब मेरी ही उसमें है शायरी, प्रेमिसेस, इट्स मीन किसी की चोरी की भी नहीं है ना, किसी का गाना ये पसंद करते हैं, खुद ही अपनी आवाज अपनी प्रेजेंटेशन अपना वो करते, अच्छी बात है। मैं इनको देखा है, डिफरेंट लुक है इनका। हाँ। ये जब ग्रुप के साथ आते हैं वो रंग कुछ और ही होता है। तो फिर हो जाए वो रंग, हिला दे अपनी हो जाए, जरा थोड़ा स्टेज हिला दिया जाए, डन हो गया, डन हो गया जी। ना जी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, चले जी आपको एक मजेदार सलीम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सलीम साहब के मजेदार झुकते भी हैं और शैजी का भी डांस परफॉर्मेंस है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि ईद स्पेशल, ईद हंगामा विद सभी। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
ਰੰਗੀ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਚਕਰਾ ਚ ਕਰੋ ਪਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੋ ਜਾਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ ਬਲੇ 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 ਸ਼ਾਵਾ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ ਓ ਗੁੱਡੋ ਦੇਤਾ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਧੱਕਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਤਾਬੀ ਪਤਲਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਡਗਮਗ ਡੋਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬੋਲੇ ਮਾਈ ਲਵ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਯੂ ਗੁੱਡੋ ਆਈ ਟੇਕ ਯੂ ਵਿਦ ਮੀ ਯੂ ਗੁੱਡੋ ਗੁੱਡੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੜੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਨ ਤੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬੈਠਾ ਸੋਵਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪਤਲਾ ਚ ਤੋੜਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਡੋ ਸਵੀਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੁੱਡੋ ਇਲੋ ਨਾ ਪਰੀ ਤੋ ਛੰਨੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਡੋ ਲੋਕੋ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ ਬਲੇ 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 ਸ਼ਾਵਾ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ Who did the first slam? Personally, babe, I don't want you to travel. Bird girl, all I wanna make up your mind. Because Shazzy is the one who's gonna make you shine. We'll make you chew bubblegum. He won't even make you have some rum. All I wanna make sure you work it out more with your high heels, with your cheesy humps. Check it out. Ek kuka lake tu de dance floor hilave. Party che sare aalu chalwa tu vakhave. You are my gorgeous kuddo. Making my lovely kuddo. Sab naalo sori kuddo. ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ ਬਲੇ 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 ਸ਼ਾਵਾ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਨੱਚਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੋ ਨੱਚਾ To the second land personally babe I own a Land Rover but girl all I wanna make you mine because Shazzy is the one who's gonna make you shine after the party in the moonlight he'll ride you crazy till the sunshine then she wore my shade she was feeling down so high then he stayed with him till her next flight nacha tere naal main nacha nacha sari raat main nacha nacha chale aa ja kuddo nacha bale 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 shaava nacha tere naal main nacha nacha sari raat main nacha nacha chale aa ja kuddo nacha क्या बात है भाई अरे शाजी प्लीज ज्वाइन विद अस अरे वाह भाई शाजी तुमने क्या परफॉर्मेंस की है अभी तुमसे बात कभी नहीं करूंगी तुम्हें बहुत थके हुए सलीम साहब क्या कहते हैं यार हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है बात दरअसल ये है कि ये ऐसी परफॉर्मेंस तो सिंगिंग भी बड़ी जबरदस्त इंग्लिश आए हाय बस एक ही लफ्ज बोलूंगा इंग्लिश इंग्लिश दबंग इंग्लिश बंगालियों के आते हैं इंग्लिश माशाल्लाह जिस दुनिया में आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं हर कोई हर चीज फिंगर से आप टिप करके देख लेते हैं और दुनिया में एक से एक चीज लेकिन भाई ने गाना भी जो गाया वो बड़ा ज़बरदस्त और फिर परफॉर्मेंस भी पूरे ग्रुप ने जो कंबाइन परफॉर्मेंस दी खुद डांसर भी है ये कितनी बड़ी बात है जबरदस्त भूखा नहीं रह सकता कभी नहीं नहीं सर भूखा क्यों रहना है नहीं सो तुम मुझे आप कसम से शहजी बताओ यार अब बताओ तुमने क्या क्या किया दुनिया में शहजी सर मैंने सबसे पहले तो बहुत स्ट्रगल की है कोई दोस्त यार की शादी नहीं छोड़ी उसमें जेब में अपनी चीजें डाल के केसेट का जमाना होता था कोई नचवा ले बस पैसों की बिल्कुल लालच नहीं थी आजकल जो बच्चे हैं वो पैसों को पहले देखते हैं पैसे खुद आपके पीछे भागते हैं जब आपका काम अच्छा हो तो ग्रेट तो मैंने पाकिस्तान के जितने बड़े इवेंट्स हैं हम स्टाइल अवार्ड हम अवार्ड लक्स अवार्ड ARY के जितने बड़े इवेंट्स हैं सारी चीज़ें मैंने मूवीज़ वगैरह सब कोरियोग्राफ की और माशाल्लाह जितने बड़े सुपर स्टार्स हैं फिल्म स्टार साइमा रीमा रेशम नूर मैं भी शहयाद सुहाई अली और काफ़ी सारे नाम मैं मिस कर रहा हूँ इन सबको मैंने एज अ टीचर काम करवाया हुआ है और अभी भी मेरी स्ट्रगल जारी है और मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अपनी मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा मुझे जब तक जो मुझे मुकाम मिला है जितनी मैंने स्ट्रगल की थी वहां तक हो गया आगे के लिए ये निकालना पड़ेगा तेल
रीमा मीरा कितने पुराने तो नहीं लगते। औरतों को भी इतनी पसीने निकालने पड़ते हैं। नहीं नहीं इस तरह करने में तो मैं यार ये बड़ा स्ट्रगल वाला काम है इसमें पूरी। नहीं ये परफॉर्म करके अभी आया ना तो वो जरा जंप वंप इधर उधर फुटके फुटके हैं तो पसीने तो आएंगे ना सलीम साहब। क्या भी आने लगे मेरे हीट की वजह से। नहीं नहीं बिल्कुल इनको टिश्यू पेपर ला के दें बिल्कुल। अच्छा जी लेट्स सी हम लोगों ने अभी ऑफकोर्स इनकी परफॉर्मेंस देखी लेकिन एक और टैलेंटेड आज देखिए ईच शो में बकौल उमेरा आप हमेशा कहते हो सभी तुम हमेशा टैलेंट को प्रमोट करती हो और मुझे जहाँ लगता है मुझे अच्छा लगता है यार मैं क्यों ना इनको आगे लिख रहा हूँ। अच्छा जी एक टैलेंट बहुत ऑफकोर्स बहुत कम लोग होते हैं 100% जो होते हैं वो मैजिक में चले जाते हैं तो आज हमारे ईद के फर्स्ट डे में मुनव्वर खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएंगे हमें आज क्या सिखा रहे कुछ नया। अच्छा जी नाज़रीन हमारे दरमियान बहुत ही टैलेंटेड पर्सन मौजूद हैं और 100% से मैं कहती हूँ 2-3% लोग होंगे जो लोग मैजिक सीखते हैं। दिल करते हैं यार 1-2 हो जाएं। मैंने 1,000 में से 2-3 होते हैं। वैसे अगर आप तो एक मैजिक से बात करूँ तो अगर आपको कहें यार एक मैजिक करना है तो तुम आप क्या विश करोगे यार लड़कियाँ ज्यादा हो जाए खूबसूरत लड़कियाँ आप क्या करोगे यार मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे क्या विश करोगे। मैं कहूँगा जवानी वापस आ जाए। हाय हाय क्या यार सब कुछ वापस आ जाएगा कुछ नहीं बोलूंगा फिर बाकी काम मेरा है। चले जी मुनव्वर हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा आपने इब्तिदा में एक सवाल किया था उस वक्त जो जवाब था ना उसके बाद मुझे ख्याल आया कि जवाब चेंज होना चाहिए था। आपने कहा था ईद पे क्या करते हो। ईद पे हम पता है क्या करते हैं देखें जरा इस 1000 रुपीस को मैं इसको 4 times फोल्ड कर रहा हूँ फिर आपको जवाब मिलेगा। हम आर्टिस्ट लोग ईद पे क्या करते हैं तो 3 फोल्ड हो चुके हैं लास्ट फोल्ड के लिए रेडी रहिएगा। इनसे तो ईद भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये लास्ट फोल्ड हो चुका है इसका और लास्ट फोल्ड होते ही वो 1000 हो गई पुरानी बात मेरे पास आ गए बिल्कुल असली 1000 रुपीस असली। यार तो हम ईद पे जो है ये ऐसा कुछ कर रहे होते हैं यानी कमा रहे होते हैं। पहले कहाँ था ये 1000 रुपए दो इसे 5000 देगा आपको। हाँ पागल है बिलो हो जाए इतनी मेहनत कर रहा है डांस कर रहा है भाग जाएगा ही 5000 रुपए ले भाई 5000 रुपए में 5 के 25 खुद करा ये इसका मेरा 5 कर दे ये तो सवाल हो कमेल अब ये हमारे हैं ठीक है इनको इधर उधर मत जाने देना। अच्छा तो सलीम भाई आपका रुपीज है ठीक है मैं इसे 4 times फोल्ड करता हूँ देखते हैं क्या होता है। तो ये पहला फोल्ड ये तीसरा फोल्ड सचमुच हाँ ये तीसरा फोल्ड और ये चौथा फोल्ड क्या हुआ ये हो नहीं रहा ये क्या बात है। सलीम भाई वो दिन में एक दफा हो सकता है तो मैं भूल ही गया यहाँ लाइव शो ख्याल ही नहीं रहा कि अगर ये बार बार बनते रहते तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की कहाँ जरूरत होती। इतना सारा सामान सुजुकियों में मजदाओं में लेके जाओ परफॉर्म करो 1 घंटे के शो के लिए 2 घंटे की सेटिंग और 2 घंटे की पैकिंग और 2 घंटे का ट्रेवल। लेकिन एक काम हो नहीं सलीम भाई मायूस ना हो किस दिन पैदा हुआ था एक काम हो सकता है एक के दो हो सकते हैं। चल दो ही कर दे कुछ तो ले एक के दो हो सकते हैं चलो ये लीजिए दो लो और दो और बोलेंगे तो 4 भी कर दूंगा मैं कर दूं वो कैचीला ये क्या कर दिया दो कर दिए ना और करो और लालच करो लालच क्या 4 भी कर दो लालच की तुमने अपने बाहर रख ले। नहीं सलीम भाई इतने मायूस ना हो अभी भी ये काम का है अगर इसको टेप लगा लें तो ये कम से कम वहाँ पे तो चली जाएगा वो पेट्रोल पंप पे। बहरहाल फिर भी मैं एक ट्राई करता हूँ कुछ। अच्छा। तो ये 2 पीस तो ठीक है आपका नोट था वैसे तो आपकी गलती एक जादूगर के हाथ में नोट भला दिया ही क्यों लेकिन खैर कोई बात नहीं आपने एक लाइक मैजिशियन के हाथ में दिया तो ये हो गया बिल्कुल दोबारा से बन सूंघ के देखूंगा वही है करने वाला हो गया हाँ जी नहीं वो गोश्त की बुआ रही है आजकल नोटों में ना बकरीद के दिन इधर भी खून की बुआ रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी हम लोगों ने आपकी आप मुझे सॉन्ग सुनाना चाहते एक अपना एक स्पेशल नया सॉन्ग है वो कौन सा है वो आप चाह रहे थे ना यार ट्रैक हो जाए जबरदस्त सुनाएंगे रेडी डन है। अच्छा जी हम लोग ब्रेक में चले जाएं। चले जी नाज़रीन हम लोग शहज़ी एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड चुटकुले विद सलीम साहब के साथ कैसा है यस yes.
और वेलकम अगेन के साथ साथ आपने देखा होगा जी फर्स्ट डे ईद का और कलेजी इज रेडी। और सलीम साहब सबको चखाना चाहिए आप बकवाल आपके के यार, जब बकरा ईद हो, बड़ी ईद हो और कलेजी बने और सब चखे ना, हाउ इज पॉसिबल? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जानवर की कलेजी चखी जाती है बकरा ईद में। सही बात है। आहिस्ता आहिस्ता सारे उसके जिस्म के पार्ट फिर आप खाते हैं, आखिर में राने बनाते हैं, फिर और बारबेक्यू टिक्का पार्टी होती है जी। उमेरा प्लीज सब चखे और देसी अंदाज में सब एक एक बोटी उठाए। यस यार यकीन करो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, क्योंकि मलका मसालों का जायका है लाजवाब, वेरी बहुत बहुत मनोवर भाई आ रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? रुक जाए, शेजी भाई को तो पूछ लूँ। शेजी भाई, बकरा ईद और गोश्त आपके घर में, लेकिन बस एहतियात से, एहतियात एहतियात नहीं कर रहा। अरे हाँ यार, इसका कोई भरोसा नहीं, उसका 1000 रुपये फाड़ दिया आपने। लेकिन जोड़ दिया ना, अब क्या ऐसी शिकायत, जोड़ के दिया है, ट्रिक ना सिखाना मुझे। अच्छा जी, हम लोगों ने जो है कलेजी तो कही, लेकिन अभी ऑफ कोर्स जाने का टाइम हो गया, दिल तो करता है आप लोगों के साथ यहीं पर वक्त थम जाए, रुक जाए और हम ना जाए, लेकिन ऑफ कोर्स घर जाना है, दावतें हैं और खाना पीना है, मज़े मज़े की कलेजी है और बहुत कुछ है। और लेकिन जाते जाते सबसे एक एक मैसेज, सलीम साहब हमारे तमाम लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, कुर्बानी ये क्या है ये बताइए। कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। यस। और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी मौके पर सच और हक के लिए कुर्बानी, और कुर्बानी ये याद दिलाती है हमें उस कुर्बानी की जो हमारे पैगंबर ने अपनी औलाद पे छुरी फेरते हुए ज़िबा करते हुए कुदरत ने फिर वो दुम्बा खड़ा किया और फिर जनाब उसको ज़िबा किया। और ये रिवायत है उस तसलसल की कि कुर्बानी तैयार रहना चाहिए, कुर्बानी देने के लिए हर वक्त। आप प्यारे जानवर की कुर्बानी देते हैं और मैं तो ये कहता हूँ अपने हक, सच, वतन, अपने मज़हब के लिए जान की भी कुर्बानी से ग्रेज नहीं करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। चलिए आपका मैसेज आपके पास। यस जी, मैसेज दीजिए आप यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। मैसेज यही है जो सलीम भाई ने बोला, कुर्बानी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसी के अंदर जीत है इंसान की, फतह इसके अंदर है। हमारे जितने पैगंबर दीन इस्लाम के गुजरे, उन्होंने सख्तियाँ सही, कुर्बानियाँ दी, शहदाए करबला जो कि सबसे अजीम कुर्बानी दी जिन्होंने करबला के मैदान में, आज दीन इस्लाम जिंदा है और ये सारी जो ईद की कुर्बानी है, ये सारी कुर्बानियाँ याद है उन्हीं के सदक़े में। आए हैं, ग्रेट, बहुत प्यारा प्यारा। बड़ा आपका बस क्या है? अच्छा, मेरा इतना कहना है कि आप अगर अपनी हलाल कमाई में से एक जानवर लेके आते हैं तो उसको डीप फ्रीजर की जीनत ना बनाएं, दिल अपना बड़ा करें। आपने पैसे खर्च किए हैं, सारा साल ही आप खुशहाल थे, तभी इस वक्त भी आपने आसूदा हाल थे, तो आपने कुर्बानी की है, उस गोश्त को बांटें जितना बांटना चाहिए, वो जितना आपका हक है अपने पास रखें। और एक चीज़ और ध्यान में रख लें, अभी हम जिस टाइम से, जिस वक्त से, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये मुश्किल मुश्किल दौर है, इसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है और आपको पता है किस तरह का महंगाई का तूफान आया है, तो अब आपको ज़हनी तौर पर सारा साल ये कुर्बानी देते रहनी है। अपने मोहल्ले में देखें, अपने करीबी अजीज़ अकारीब में देखें, उनके बोलने के मुंतजर ना हो, बल्कि आपकी, आपको उनकी आंखों में दिखाई देना चाहिए और आपको उनसे पूछ लेना चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो अगर आप पूछेंगे तो 10 में से यकीनन 2 या 3 ऐसे होंगे जो वाकई आपके मुंतजर थे, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे और वो आपके अहल वयाल में से थे, या आपके बिल्कुल पड़ोस में थे, आपकी गली में थे, या आपके बहुत करीबी रिश्तेदार थे जिनसे आप काफ़ी अरसे से मिल नहीं रहे थे। यार बहुत भूखा लगता है अभी चक्कर में, मैसेज काफी लंबा घुमा के। कराची में कोई भूखा नहीं सोता जब तक समाजी इदारे आपस में मेल मोहब्बत मौजूद है, मोहल्ला पड़ोस में। भूख के बाद भी बहुत सारे काम रह जाते हैं, शादियां बहुत मुश्किल हैं, गरीबों के लिए इंतहाई मुश्किल है। जो गवर्नमेंट बात का म्यूजिशियन है, जादू से दौड़ते सबकी करा दे। अब ये वही बात आ गई ना, ये वही बात आ गई कि आपका भी 5000 नहीं बना था, मुझसे बन था, मेरी भी तो लिमिटेशन है ना। अगर लिमिटेशन है ना, एटीएम की लिमिटेशन है एटीएम की। कोमल आपका मैसेज देना चाहेंगे, मासूम से बिल्ले। मैसेज तो सलीम सर ने और मुनव्वर सर ने दे दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। बस मेरा मैसेज ये है कि ईद है, ये खुशियों का मौका है, बहुत अरसे बाद आती है, तो काफ़ी लोगों के लड़ाइयाँ झगड़ा ये सब रहते हैं, तो सब बुला के ये जो मखसूस के छोटे से मौके हैं, इनमें जो है ना खुशियाँ मनाएं, छोटी ज़िंदगी है, कोशिश करेंगे अच्छी से गुजारें। अच्छा जी, हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छा, अभी शुगुप्ता बाबर से मैसेज लेते हैं। शुगुप्ता जी आप बिल्कुल माइक दे के आओ मेरी बहन को, जल्दी से क्विकली। यस
सभी, मेरा तो यही मैसेज है कि प्लीज प्लीज फ्रीज में स्टॉक बिल्कुल मत करें, आप गोश्त ज्यादा सेव ना करें, बिल्कुल बांटे, लोग संभाल संभाल के रखते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और जो हकदार है उनको नहीं मिलता, तो प्लीज आप बिल्कुल भी स्टॉक ना करें और सबका ख्याल करें। क्या के दौर में तो मेरी बहन ने कसम खुदा की मेरी मेरी पसंद का मैसेज दिया है कि लोग जो है ना वो अपना जो है वो गोश्त जो कुर्बानी करते हैं उनकी लालच इतनी ज्यादा होती है कि वो हलीम मुहर्रम में आने वाली होती है वो पहले से इतना गोश्त सेव कर लेते हैं कि भाई वो उसमें यूज करते, कुर्बानी कुर्बानी होती है, हलीम एक अलग अलग ट्रेंड है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो कहता हूँ कुर्बान करें और गोश्त जितना जल्दी हो बांट दे, क्योंकि लाइटें बहुत जा रही है, फ्रिज में तो सड़ जाएगा। इतनी सीरियस होती हूँ मुझे कहाँ, लेकिन करो मेरा मैसेज दो यार। अच्छा सर, मेरा मैसेज यही है कि कुर्बानी जो है वो इसार का जज्बा रखती है और मेरे हिसाब से ये लोग आजकल जो दिखावा बहुत हो गया है, ओके, लोग समझते हैं कि जितना महंगा जानवर हम लेंगे और लोगों को दिखावा करेंगे तो वही कुर्बानी कबूल होगी। नीयत पे डिपेंड करता है, ये अल्लाह ताला आपकी नीयत जानता है कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कमेटियां डाल के कुर्बानियां करते हैं और उन लोगों की कुर्बानी सबसे ज्यादा अजीज होगी कि जो उनको उनके पास खाने को नहीं होता लेकिन वो कहते हैं कि हमने कुर्बानी करनी है और उसके लिए वो पैसे जमा करते हैं। तो ये इसार का जज्बा है, मैं कहती हूँ बस दिखावा हमारी जिंदगी से दिखावा खत्म हो जाए तो हम बहुत अच्छी कौम है और जिंदगी बहुत आसान हो जाए, आसान हो जाए। सलीम आफरीदी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका ग्लैम गैस की जानिब से भी गिफ्ट है और स्पेशली आप सब के साथ जाएंगे वाइटल की जानिब से, मलका फूड्स की जानिब से, आप सबके लिए गिफ्ट है वो आपके साथ जाएंगे। और जी नाजी मेरे जाने का वक्त हो गया लेकिन शहजी का स्पेशल सॉन्ग आपने देखना है, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी कैसे उबरते सूरज की तरह है, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड शेजी। ऐसा लगा गुड मॉर्निंग सभी के साथ, सभी के साथ, सभी के साथ, बहुत खुश सलीम भाई, बर्जस्ता जबरदस्त बर्जस्ता। I'm not afraid.